नमस्कार, मैं सलामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हैं मुंब्रा बाईपास पर, या यूं कहें खूनी बाईपास पर। ये खूनी बाईपास इसलिए कहा जाता है कि इस बाईपास पर लगातार हादसे हो रहे हैं, और हादसे होने की वजह जो है इस बाईपास का आधा अधूरा काम बताया जा रहा है। 10 सितंबर को इस बाईपास का उद्घाटन हुआ था, और वो भी विवादों के साथ हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि जिस बाईपास का उद्घाटन विवादों के साथ हुआ हो, उस बाईपास पर सफ़र करने वाले लोग सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। भारत के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि रात के अंधेरे में किसी बाईपास का उद्घाटन किया गया होगा। उसके ठीक सुबह 9 बजे ठाणे जिला पालक मंत्री एकनाथ सिंधे ने इस बाईपास का उद्घाटन किया। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही दो कंटेनर आपस में टक्कर होने के बाद एक घर पर जाकर गिरे थे। आप देख सकते हैं किस तरह से वो घर पूरी तरह से टूट गया है, और जो इस घर में रहते हैं वो आदिवासी परिवार से आते हैं। उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने इस घर को दोबारा से जो है बनाकर इसमें रह सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये जो बड़ी गाड़ी जा रही है, ये ऐसी इस तरह की जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ टर्निंग लेने के वक्त ज़्यादा यहाँ पर हादसे हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर सुरक्षा दीवार की इन लोगों की मांग है। ये मांग आज से नहीं, जब से बाईपास ये बना है तब से स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद शासन प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है, और इसी तरह लोगों की यहाँ पर जाने जा रही हैं। कोई सुरक्षा दीवार नहीं यहाँ पर है, और ना ही कोई इस बाईपास पर कोई भी स्ट्रीट लाइट यहाँ पर लगाई जा रही है। हालांकि जो स्ट्रीट लाइट का प्रस्ताव है वो पास हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद स्ट्रीट लाइट यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस बाईपास पर रात के वक्त बेहद अंधेरा होता है, जिसकी वजह से ट्रक चालकों के साथ लूटपाट की वारदात सामने आती है। एक चीज़ आपको और दिखाना चाहेंगे, इस बाईपास पर जो पतरे की बैरिकेड लगी हुई है, ये बैरिकेड जो है यहाँ से निकल चुकी है, और ये बैरिकेड लगाने के लिए जो खीला इस्तेमाल किया गया था वो खीला यहाँ पर अभी भी ऐसे ही मौजूद है। अगर इस बाईपास पर कोई भी अगर ट्रक बड़ी गाड़ियाँ कि पहिए अगर इस खीले पर आते हैं तो हादसे होने के ज़्यादा चांस है। इस बाईपास पर जो दो कंटेनर की टक्कर हुई थी, टक्कर होने के बाद जिनके घर जो आदिवासी लोग यहां पर रहते हैं उनके घरों पर जो कंटेनर गिरा था, उस परिवार के जो है सदस्य यहां पर मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर उनके घर यहाँ का कोई स्थानीय नेता आया था या नहीं आया था। और सात बजे आए थे और देख के गया, और रमेश पटेल आए थे, लेकिन कुछ किया नहीं। फिर यहाँ के नेता आए थे, उन्होंने आपसे जब आपसे मुलाकात हुई तो उन नेताओं ने आपको क्या कहा, क्या आश्वासन दिया, क्या यहाँ पर जो आपके लिए सेफ्टी दीवार बनाने के लिए कुछ आश्वासन आपको दिया या नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं बोले वो लोग। नहीं, इधर दो गाड़ी गिरी, 4 बजे सुबह में दो गाड़ी गिरी, मगर कोई किसने कुछ मदद नहीं किया है। और हमको यहाँ दीवार बना के चाहिए, वो मंदिर से लेके ये मंदिर तक दीवार चाहिए, लाइट का खंभा चाहिए, मगर कोई आके झांकता नहीं है। अभी 9 जन की जान जाते जाते बच गई है, मगर तभी भी यहाँ कोई नहीं आया, एक इंसान नहीं आया कि बाबा तुमको अभी तक मदद मिली या ना मिली। नगर सेवक भी आके गए मगर देख के गए, कोई किसी ने कुछ भी नहीं किया है। ने सुना कि इन लोगों का साफ कहना है कि जो स्थानीय यहाँ के नगर सेवक हैं वो लोग यहाँ पर आए थे, इनके घरों को देख कर गए, लेकिन फिलहाल इन्हें अभी तक किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं यहाँ पर जो इनको मुहैया कराई गई है। इन लोगों का साफ कहना है कि यहाँ पर जो है सुरक्षा दीवार चाहिए, और जो बाईपास पर अंधेरा रहता है इसके लिए स्ट्रीट लाइट की यहाँ बेहद ज़रूरत है, और स्ट्रीट लाइट जो है बाईपास पर होना चाहिए। जो यहाँ महिलाएं थी, जो आदिवासी समाज की यहाँ महिलाएं थी जिनके घरों पर टैंकर गिरा था, उन लोगों में हमें काफ़ी गुस्सा देखने को मिला। उन लोगों का कहना है कि जो नेता हैं यहाँ के वो लोग सिर्फ आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं, किसी भी प्रकार की किसी भी तरह का उनको जो है सहायता मुहैया नहीं कराई गई है। और आपने उनका घर तो देखा है, ये किस तरह से वो जो है फिलहाल अपने घर में रह रही हैं। उनका घर पूरे तरीके से जो है गाड़ी गिरने के वजह से जो है टूट चुका था। और आपको दिखाते हैं जो ये बाईपास है, इसका जो बीच में डिवाइडर बनाया जाता है, ये डिवाइडर का भी अभी काम नहीं पूरा हुआ है, और काम पूरा नहीं हुआ है यानी कि पूरी तरह से जो है इस बाईपास का आधा अधूरा काम हुआ है। आधा अधूरा काम होने की वजह से इस बाईपास पर लगातार हादसे हो रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर बाइक सवार जो है इस बाईपास पर हादसों का शिकार हो रहे हैं।
अब देखने वाली बात ये होगी कि कब इस बाईपास पर डिवाइडर बनेंगी, कब इस बाईपास पर सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी, कब इस बाईपास पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, या फिर यूं ही ये बाईपास अपनी बदहाली पर आंसू बहाता रहेगा। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।